बुलंदशहर के थाना नरसेना के गांव खंदोई में एक दलित परिवार ने दबंगों पर मानसिक उत्पीड़न, मारपीट व अश्लील हरकत करने व जाति सूचक शब्द कहने के आरोप लगाए हैं। दलित परिवार ने थाना नरसेना में दबंगों के खिलाफ तहरीर दी, किंतु कोई सुनवाई ना होने पर दलित परिवार धरने पर बैठ गया। तब कहीं जाकर थाना नरसेना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उसमें पूरा मामला यह है जी, दबंग लोग मेरी पत्नी और मेरी बेटियों को घर से खींच कर ले गए, इनके साथ मारपीट करी और उसके बाद मैं गांव आया और गांव आने के बाद मैं थाना नरसाना थाना पहुंचा तो ऐसे साहब ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उल्टे सीधे सवाल पूछने लगे। मैं वहाँ बैठा रहा, उन्होंने जब मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी तो मुझे मजबूरन घर लौटना पड़ा। जब मैं घर लौट कर आ गया, जब मैं अपने घर रहा तो मुझे पता लगा नंगला मदारीपुर में SDM साहब का प्रोग्राम है। मैं वहां धरने पर बैठ गया, मुझे उठाने की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वो ऐसा कहता है नरसेना के पैसे दो, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, पैसा चाहिए मुझे। और CO साहब ने उनके गिरफ्तारी के भी ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन CO साहब ऐसे साहब फिर भी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। क्या मामला था जिसको लेकर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की थी? किस किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? मैंने हर्रा सनफ धर्मपाल सिंह, चमन सनफ चंदर सिंह और यशपाल सनफ मदन सिंह और ज्ञानेंद्र सनफ अजीत सिंह और संजय पुत्र मदन सिंह और भीम पुत्र, ये रसूलपुर के हैं दोनों भाई। अच्छा, ये बताइए, आप SSP साहब मिले हैं, मुलाकात की है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी मुझे, मैं 3 बार गया हूँ SP साहब के सामने, उन्होंने भी मुझे 3 बार टरका दिया। आज भी मैं SSP साहब के सामने गया और उन्होंने कहा चलो देख लेंगे, हम देखेंगे इसमें क्या है। आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? मैं जाटिव समाज से बिलोंग करता हूँ साहब, मेरी बेटियां डर की वजह से स्कूल भी नहीं जा रही हैं, ये हाई स्कूल की छात्रा हैं। सर, नरसेना थाना क्षेत्र के ग्राम खंदोई में एक मामला ऐसा आया कि ST/ST का मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई और पीड़ित परिवार बार बार SSP के दरबार पहुंच रहा है, क्या प्रकार की कार्रवाई आप विवेचना कर रहे हैं उसमें सर? हाँ, ये विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है इस अभियोग की। SST के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था, इसमें अभी साक्ष्य संकलन का कार्य चल रहा है और जब तक साक्ष्य संकलन कंप्लीट न हो जाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना कदापि उचित नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें साक्ष्य संकलन के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टेंथ की छात्रा। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ में? ये 8 के 8 लोग हमारे घर आए और हमें खींच के ले गए, हम दोनों बहनों को और मेरी मम्मी को, और हमारे साथ वहाँ अश्लील हरकतें करने लगे और हमने शोर मचाया तो हमें मारपीटने लगे और गाली गलौज भी दे रहे थे। अच्छा, पुलिस में कोई मुकदमा लिखा है क्या? और बाद में किसी ने फोन करा तो पुलिस आई, फिर पुलिस ने एप्लीकेशन लिख के दे दी। फिर 5 तारीख को मेरे पापा आए तो उन्होंने FIR दर्ज कराए तो उन्होंने FIR भी नहीं ली। कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? खंदोई के और रसूलपुर के। क्या मामला आपका? मैं सुबह भाषो आई थी, और भाषो आपने हवा कर रही थी, आए मेरे सारे पोंछा पकड़ कर लॉन्ग जेल को नोक मार के फिर ले गए गाँव के, वहाँ जाकर हमें पटक कर मारे जाटों ने, जब दरोगा ने हमारी जान बचाई नहीं, हमें ले जा रहे। कहाँ के निवासी थे लोग? सब यहाँ के है, कुछ रसूलपुर के। किस प्रकार की कार्रवाई हुई है अभी तक? कुछ नहीं। अच्छा, अब तो हथेली पर जान डर रही है, या तो हमें मार ही जाऊंगे, काय दिन मार जाऊंगे, हंस हंस कर जा रहे हैं। अभी प्रधान जी, आप पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, एक नाबालिग लड़की और एक महिला ने आरोप ये लगाया कि मुझे घर पे से ले गया और मेरे साथ में धरंधी करी है, क्या मामला, किस प्रकार की? ये मामला है, टोटल झूठा है। हाँ। और ये अछेजा से एक लड़की, इसका लड़का लेके भाग गया था वहाँ से गाँव खंदोई गाई, इनके भाई को, इनके पिताजी को, दोनों को उठा लिया पुलिस ने।
है, उठाने के बाद में वो गांव आ गए। गांव आने के बाद में उन्हें घर की इनकी की पता नहीं थी कोई भी, और जब घर की पता नहीं थी तो रास्ते पे ही मेन सड़क पे रास्ते में ये खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कोई भूदेव नाम का लड़का रहता, तो बोले हाँ, संजय बाबू ने बताया कि हाँ रहते हैं। उन्होंने फिर रसूलपुर के लोगों से बातचीत करी कि गुजर हैं पूजा समाज से, उनका अपने घर बैठा लो ना, इतने हम आ रहे हैं वहाँ से। तो वो लोग आ गए यहाँ, आने के बाद में वो जो है क्या नाम है, फिर 100 नंबर पुलिस आ गई। उन्होंने 100 नंबर पुलिस ने इनको जो है घर से बुला के बहन बेटी से बात करने के लिए, वहाँ संजय की पत्नी भी थी, संजय की बेटी। अच्छा, आपको इतने गंभीर आरोप लगाए एक महिला ने, और उसमें पूरा देखी जाए तो पॉलिटिक्स है, और सीओ साहब ने, सीओ सियाना ने भी अपनी पूरी रिपोर्ट तलब करी है, उसमें दोषी पाए गए, उसमें नोटिस भी जारी कर दिया। नहीं नहीं, वो सब झूठा है, वो झूठा मामला है, बिल्कुल कतई झूठा है। उसके बाद में ये रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, ये तो फाइनल में इसलिए दर्ज हुई कि इसने डीएम का आने का प्रोग्राम था नंगला मदारीपुर में, उसी दिन इसने उसने धरने पर बैठ गया, वैसे ही फर्जी एक पत्रकार ने, सचिन पत्रकार है, उसने जो है मुंह पे माइक लगा के बोल के कप्तान साहब को वो कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया। आप कप्तान साहब से भी मुलाकात हुई है इस विषय में? हाँ, हमारे कप्तान साहब क्या आश्वासन मिल रहा है उसके? कप्तान साहब ने कह दिया कहते ये जो है झूठा मामला है, मेरे सारे टोटल संज्ञान में, अपने घर लीजिए, 3-4 बार 10-10-20-20 आदमी मिले। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? हम जाट हैं, जाति से। मामला ऐसा है कि दलित समाज की महिला ने बड़े गंभीर आरोप आप पे लगाए हैं अश्लील हरकत करने का और जबरन उठा के ले जाने का, क्या मामला है? सर ये ऐसा है जी, मैं मेरा मकान रोड पे ही पड़ता आगे, वहाँ आए वो छेदा वाले लोग और पुलिस वहाँ खड़ी थी, वो कहने लगे ऐसे ऐसे एक लड़का यहाँ का धनेश है रसूलपुर का। मैंने कहा हाँ जी, कि वो हमारी टच में, उसने फ़ोन करा के संजय के यहीं को बताया कि यहीं बैठ जाइए आप जो, तो मैंने कहा भैया बैठ जाओ यहाँ, मैंने चाय पानी पिलवा दीजिए उनको, और वहाँ बैठे रहे। वो लोग वहाँ से आ गए, आसपास के भी और गुजर समाज आ गया जी, उन्होंने आके 100 नंबर की, हमने प्रधान जी से कही 100 नंबर को कॉल और कर दो जी आप, प्रधान जी ने कॉल कर दी, हाँ वो 100 नंबर भी आ गई। जब वो लोग वहाँ छेदा वाले गए। अच्छा, आप पे इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं, कि क्या कारण? हमसे जो वो मानता जी, मैंने इसके लिए 1 क्विंटल दूध भी दिया था, और मेरे इस पे 10,000 रुपये वैसे हैं, 1100 रुपये कन्यादान में दिए, इसलिए वो मानता कि ये भी पैसे खत्म हो जाए और इन पे आरोप लग जाए तो ये लोग जो। अच्छा, वो गंभीर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि गांव के कुछ लोग हम पे दबाव बना रहे हैं फैसले का, और हमें थ्रेट दे रहे हैं, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है जी, ये तो सब झूठी बात है, राजनीति है, ये प्रधानी का वो चल रहा है आज ये गाँव में पूरा। एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, आज SSP कार्यालय पहुंची है महिला, और आपके ये करेंगे जरूरना मुझे घर से उठा कर ले गए और अश्लील हरकत की है, क्या है पूरी? ये जी कुछ नहीं है, ये तो हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी, मैं कावड़ लेके आया था गौमुख से, तो मैं तो वहाँ बैठा था, जब मुझ पर कॉल आई ऐसे ऐसे बाहर के आदमी आए, हम भी वहाँ जाकर चल के पहुँचे, वहाँ तो बहुत पब्लिक बैठी थी, हमने तो सिवा 100 नंबर बुला के वो नोएडा वाले से लड़की ले आया वो, और इनका वो है, एक बार होली पे इन्होंने बदतमीजी करी थी हमारे साथ पहले भी, ये हमारे चाचा जी है उनके साथ बदतमीजी करी इन सब ने मिल के, फिर हमारे साथ वो इक्यावन का मुकदमा भी इन्होंने करवाया, हम तो फिर भी जो अपना चुप अपने घर बैठ गए, ये ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहे हैं, जो उधर कर निकलते हैं बदतमीजी करते हैं और दुनिया भर के थिएटर करते हैं, ये आपके ऊपर 3 बार पैसे ले चुका है ये समाज से, ऐसे ही करके इसकी यो है कि मुकदमा करूँगा, SC Act लगाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, 3 बार पैसे भी ले चुका है ये गाँव में, आओ गाँव में इसकी इंक्वायरी करिए। और यूँ कहते हैं ये कहते हैं कि हम इस मेरे बेटे को फंसेंगे, क्या बाप बेटा हैं, भैया हैं, ऐसी बदतमीजी करेंगे, जिसमें परिवार में घर है, हमारी बेटी भी है वहाँ, हमारी बहन भी है, हमारी माँ भी है, सबके आगे बदतमीजी होगी जो हम पे आरोप लगाएं झूठे। इटावा रोड निवासी रिटायर्ड दरोगा आजब सिंह ने उप जिलाधिकारी रतन वर्मा को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि नगर पंचायत करहल की गिहार कॉलोनी में स्वच्छता मिशन के जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। गिहार कॉलोनी में नालियां बंद है, इंटरलॉकिंग रोड को 50 मीटर तक कूड़े से पाट दिया गया है, जो नाली बंद है उसमें ब्लॉक से लेकर बम्बा तक पूरा पानी आ रहा है और सफाई ना होने से नाली में गंदगी का अंबार है। इस दौरान रिटायर्ड दरोगा आजब सिंह ने उप जिलाधिकारी से समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। बाबा जी क्या बात हो गई, क्यों आए यहाँ, क्यों आए यहाँ? मैं यहाँ ये गंदगी हो गई, इसमें 11/6/21/8 को एप्लीकेशन दे चुके, EO को आदेश हो चुके, पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या समस्या आ रही है? नाली पटरी है और इंटरलॉक पे गंदगी का भरमार है, बिहार लोग कर रहे।
लावारिस गोवंश व आवारा जानवरों के पुनर्वास हेतु माकपा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का मंगलवार को कुचामन रोडवेज बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन नौवें दिन भी जारी रहा। धरनास्थल पर दिन भर शहर व आसपास के गांव के लोगों का आना जाना लगा रहा। कई सामाजिक संस्थाओं व संगठनों ने धरने का समर्थन किया। वहीं मंगलवार को संगठनों ने भी लिखित समर्थन पत्र दिया। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले गोवंश के पुनर्वास के लिए जो नौवें दिन धरने का हुआ है, उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम साहब, ईओ साहब, सभी लोगों ने आके हमें यह आश्वासन दिया है कि हम इनके पुनर्वास की व्यवस्था बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे पहले तो निवेदन ये है कि कुचामन के जो भी एनजीओ, सामाजिक संगठन, जिन जिन ने इस धंधे में आके हमारे को समर्थन दिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी ताकत को बढ़ाया और इस कुचामन की समस्या को सुलझाने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन, आपने एक प्रश्न भी किया था कि ये स्थायी समाधान है या केवल एक लॉलीपॉप मात्र है, तो मैं प्रशासन को आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि 23 से 25 तारीख तक अगर इस समस्या का माकूल व्यवस्था नहीं की गई तो ये धरना अब धरने के रूप में नहीं होगा, उग्र आंदोलन के रूप में पुनः शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे गोवंश को लेकर पिछले 9 दिन से धरना जारी है। अभी प्रशासन ने आपको जो एक आश्वासन दिया है, क्या ये एक लॉलीपॉप है या वाकई में आज से कुछ कल अलग देखने को मिलेगा हमारा गोवंश समस्या को लेकर? गौ माता का पुनर्वास के लिए ये जो 9 दिन से जो धरना चल रहा है, इसका सभी सामाजिक संस्थाओं ने बड़े उत्साह के साथ में समर्थन किया है और प्रशासन ने जो नागौर जिले में आचार संहिता लगी है उसका बहाना बनाया है या लॉलीपॉप दिया है ये हमको मालूम नहीं, परंतु गौ माता का पुनर्वास नहीं हुआ और जितेंद्र कुमावत के परिवार को न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन और तेज होगा और धरना प्रदर्शन होगा, उसके जवाबदार ये प्रशासन, यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि होंगे। जनपद बहराइच में विकासखंड फकरपुर ग्राम पंचायत में हेडवा कला के एक बुजुर्ग निवासी अपना गुजारा टूटे फूटे घर में कर रहे थे कि आज अचानक भारी बारिश होने की वजह से घर की दीवार गिर गई और 12 वर्ष की लड़की बुरी तरह से जख्मी हो गई व घर का काफी नुकसान भी हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित ने यह बताया है कि सूची में नाम होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा, जबकि कई बार ग्राम प्रधान को इस विषय में अवगत कराया जा चुका है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नाम बताइए अपना। राम छविले प्रधान, ग्राम पंचायत डिहवा कला। जो आपके ग्राम पंचायत में एक पीड़ित का घर गिर गया है जिसका नाम हजरत दीन है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहयोग करा रहे हैं? पूरी प्रयास हम करेंगे, ठीक, पूरी प्रयास करेंगे और उसको हम दिलाएंगे मुआवजा, जो गिर गया नुकसान हुआ है उसको हम दिलाएंगे, प्रयास करेंगे और भरसा प्रयास करेंगे, बराबर दौड़ भाग करेंगे, उसको दिलाएंगे, गरीब आदमी है, ठीक, बराबर प्रयास करेंगे, हर एक चीज़ में कि उनका सारी व्यवस्था मिल जाए, सरकार द्वारा जितनी व्यवस्था आ रही है उनका मिला, गरीब आदमी है। ग्राम पंचायत क्या है आपका? ग्राम पंचायत डिहवा कला। थाना क्या है आपका? थाना बोंडी। जनपद क्या है? बहराइच। आपका? हजरत दीन। क्या हुआ था? वो दीवार गिर गई। कैसा गिरी है? गिरी है पानी बरसा रहा, पानी बरसे में गिर गया, जिसमें कोई नुकसान? हाँ, नुकसान सारा, नुकसान बहुत ज़्यादा है। किसी की जान मान की कोई खतरा? जान के चोट लग गया है, बच्चे को चोट लगी है। गांव का क्या नाम है? क्या नाम है भाई आपका? साबान। क्या हुआ था? ये घर आया तूफान आया गिर गया। सरकार की ओर से कोई सहायता मिला? कुछ नहीं मिला। यहाँ के ग्राम प्रधान को आपने अवगत कराया? नहीं, यहाँ तो प्रधान को देखते ही नहीं। प्रधान से आपने कहा नहीं? प्रधान मौके पे आए, जांच किए, देखें? प्रधान आए नहीं। लेखपाल या कोई अधिकारी? कोई भी नहीं आया, मीडिया कोई भी नहीं आया। गाँव का क्या नाम है? डिहवा कला। थाना क्या लगता है आपका? थाना। जनपद क्या है?
जनपद क्या है? यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? क्या नाम है? छबीले। तो लोग पछाड़ जाता है थोड़ा, पछाड़ जाओ, पछाड़ जाओ। कुशीनगर में एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 ठप हो गई है। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से स्वास्थ्य विभाग में इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से बंद है। आपको बता दें, अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एम्बुलेंस वर्कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कुशीनगर के रविंद्र नगर मुख्यालय के बुद्ध पार्क में ये धरना जारी है। आगे काफ़ी दिनों से चलती आई है, जैसा कि सैलरी बेस को लेकर ना तो वो टाइमली है और ना तो सही है। सर, हमको ये भी नहीं पता है कि हमारी सैलरी एक दिन की कितनी है। हमको ये भी किसी से पूछ लीजिए, हम कोई नहीं बता पाएगा कि हमारी एक दिन की सैलरी कितनी है। और हमारी मांगे ये भी हैं कि ये आए दिन नया नया कानून अपना लगाते रहते हैं, और इस समय एक पायलट प्रोजेक्ट नाम का कानून लेकर आए हैं कि उसके अंतर्गत हमको पर केस पैसा मिलेगा। जैसा कि हम मंथली बेस पर थे, लेकिन आज हमको 60 रुपया प्रति केस, यानी एक मरीज लेकर आएंगे तो हमको 60 रुपया मिलेगा। अगर हम एक दिन में एक मरीज लाते हैं तो 60 रुपया, अगर उसमें एक मिनट की कोई देरी हो जाती है या कुछ और कोई कमियां, या मरीज हम गए और मरीज कहा कि हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, तो भी हमारा पैसा पेनाल्टी जोन में चला जाता है। ये सारी चीज़ें एक अंग्रेजी कंपनी जिस तरह से रॉलेट एक्ट आया था, कोई वकील, कोई दलील, कोई अपील नहीं, उसी तरह से ये मनमानी अपना कार्य कर रहे हैं। और ना तो समय से वेतन मिल रहा है। अब आज देख लीजिए, आज कितनी तारीख है? आज 23 तारीख हो गई है। अभी उस महीने का सैलरी हमको, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया, अपनी आवाज़ें उठाएँ, तब जाकर 31 तारीख को वो सैलरी दिए थे, और 7 तारीख तक हमारी सैलरी आ जानी चाहिए। आज 23 तारीख है और 9000 रुपये हम पाते हैं। अब आप इनको ले लीजिए, इधर अगर ले लीजिए, जो 40 साल 45 साल के लोग हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, जैसे हम लोग तो अभी हम लोग भी शादीशुदा हैं और बहुत बैचलर हैं, उनकी ज़िंदगी कट जा रही है 9000 रुपये में। वो ये 2 साल से ना तो इसमें कोई वेतन वृद्धि हुई है। अब बताइए, हम फीस देना है अगर किसी को बच्चे की या दवा करवानी है तो कैसे करवाएगा? ना तो टाइमली वेतन है, ना सही ढंग से वेतन है, ना इसमें कोई इंक्रीमेंट है, ना कुछ है। और जो पायलट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसमें हम लोगों का जो EPF कटता था वो भी बंद कर दिया जाएगा, और तमाम सारी दिक्कतें हैं हम लोगों के ऊपर। समय समय पर ये थोपते रहते हैं और जिसका मनमानी ढंग से निर्वहन करवाते हैं। ये सुनने वाला ना तो शासन है, प्रशासन कोई हमारी बात नहीं सुन रही है। आज हम 20 दिन से लगभग सबको अल्टीमेटम, जिला अधिकारी, SP, CMO, प्रशासन, हेल्थ मिनिस्टर इत्यादि को हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया है, लेकिन सही रिस्पांस ना मिला। ना तो कंपनी हमसे बात करने आई, ना कोई शासन प्रशासन को कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं। आप एक मीडिया के व्यक्ति यानी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ होकर आज हमारे पास आए हैं हमारी आवाज़ें सुनने के लिए, जिसके लिए हम लोग आप लोगों की आप लोगों को बधाई देते हैं और आभार प्रकट करते हैं।